अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रियल आवाज़ पाकिस्तान। आपका होस्ट शाकिर महमूद चौहान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पीटीआई के मेंबरान जो मुस्तफ़ी हो गए थे, जिन्होंने रट लगा रखी थी कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं, लेकिन कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने बेबहा इनको ख़त भी लिखे, लेकिन ये पेश ना हुए। फिर उन्होंने कहा कि फिज़िकली आएं और बताएं कि आपके ऊपर कोई पार्टी के चेयरमैन का कोई दबाव तो नहीं है, अगर वो फिज़िकली आते हैं तो मैं उनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट कर लूँगा। आखिरकार वो फिज़िकली आए और दबाव डाला स्पीकर पंजाब असम्बली राजा परवेज अशरफ पर, तो उन्होंने इनके इस्तीफे कबूल कर लिए थे। अब पीटीआई मुस्तफ़ी अरकान पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए, आप के इस्तीफे मंजूर हो चुके, वापस मुमकिन नहीं, स्पीकर का दो टोक जवाब। राजा परवेज अशरफ से चैम्बर में मुलाकात पीटीआई के वफद की इस्तीफों की मंजूरी वापस लेने की इस्तदा की गई। पहले तो इन्होंने बहुत जोर लगाया था कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं। जब राजा परवेज अशरफ ने इनके इस्तीफे मंजूर कर लिए, अब कहते हैं कि हमारे इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं। इसके बाद कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी का हम कायद हज़्ब इख्तलाफ नामजद करने का मुतालबा भी साथ कर दिया, जो कि स्पीकर पंजाब कौमी असम्बली ने कहा कि आप मेंबर नहीं हैं, आप किसी भी तरीके से कायद हज़्ब इख्तलाफ को नामजद नहीं कर सकते। जो आप कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी को पीटीए के चेयरमैन इमरान खान साहब ने नामजद किया है, क्योंकि आप इस वक्त मेंबरान नहीं हो कौमी असम्बली के, तो लिहाजा आप ये शिक नहीं रख सकते मेरे लिए। तो पीटीए तो कौमी असम्बली के स्पीकर पंजाब कौमी असम्बली ने इन्हें फारग कर दिया ये कहकर कि ये इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, अब आप कुछ भी नहीं हैं। बार बार राजा परवेज अशरफ के खतूत भेजने पर कोई हाजिर नहीं हुआ। आइन और कानून का पाबंद किया गया है, इस्तीफे अपनी मर्जी से नहीं दिए थे, लीगल टीम से मशावत करेंगे और इन्हें आगाह कर दूंगा, परवेज अशरफ का कहना। नाज़रीन, आमिर डोगर और इसके साथ असद कैसर साहब और इसके साथ पीटीए के कुछ और मेंबरान ने आज मुलाकात की है कौमी असम्बली के स्पीकर पंजाब कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ के चैम्बर में, और उन पर दबाव डालने की कोशिश की गई है कि हमारे इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं और हम कायदे हज़्ब इख्तलाफ शाह महमूद कुरैशी को लाना चाहते हैं। एक तरफ पीटीआई मुस्तफ़ी अरकान असम्बली ईवान पहुंच गए और इस्तीफे मंजूर ना होने के बारे में मिनते समाजते करते रहे, जिस पर राजा परवेज अशरफ से चैम्बर में मुलाकात भी की, लेकिन वो मुलाकात किसी काम ना आ सकी। पीटीआई वफद की इस्तीफों की मंजूरी वापस लेने की सदा भी की गई, जिस पर राजा परवेज अशरफ ने इनकी सदा को ठुकरा दिया और कहा कि अब इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, अब नहीं हो सकते, क्योंकि ये सब इकट्ठे होकर राजा परवेज अशरफ की कह रहे थे कि हम शाह महमूद कुरैशी को हज़्ब इख्तलाफ लीडर बनाना चाहते हैं, लेकिन जिन 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर हुए हैं उन 35 अरकान के इस्तीफे अब दोबारा वापस नहीं होंगे, क्योंकि चेयरमैन नैब की सीट खाली पड़ी हुई है आफ्ताब साहब की,
जब तक प्राइम मिनिस्टर और हज़्बे इख्तलाफ दोनों नहीं बैठेंगे तब तक उनका नाम सामने नहीं आएगा। और हमने हज़्बे इख्तलाफ लीडर चुन लिया है और उन्हें बना भी दिया है, लेकिन अब हम शाह महमूद कुरैशी को कायदे हज़्बे इख्तलाफ लीडर नहीं बना सकते, जिस पर पीटीआई के लोगों को काफी मायूसी हुई और वो चैंबर से वापस आ गए। अपने होस्ट शाकिर चौहान को इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।